वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आगे की जर्नी हमारी। पिछले बार हमने चैप्टर पेज नंबर 11 पे ख़त्म की थी, पेज नंबर 11 बुक का, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 12 पे हमारे पास जो टॉपिक है इनकम, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं आता हूँ पेज नंबर 12 पे जिस पे आ रहा है हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं बेसिकली, मेरी एक वीडियो बनी हुई है अगर आप देखेंगे तो, उसमें लिखा हुआ इनकम टैक्स का पंजा, उसको बोलते हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। अब उसमें है क्या बेसिकली, हमारे पास इनकम टैक्स के पास, एक्ट के पास, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास पांच, मतलब पंजे के पांच पार्ट होते हैं। पंजा होता है जिसका शिकारी पंजा अपना मारता है और आपको पकड़ लेता है। सबसे पहला आता है कि आपके पास किस तरह की इनकम हो सकती है, उसको बोलते हैं सैलरी, कि आप कहीं नौकरी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को बोलते हैं हम रेंटल इनकम। आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपने उसके ऊपर रेंट ले रखा है, तो आपको जो रेंट मिलता है उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, बिजनेस होता है या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप सामान बनाते हो फिर बेचते हो, ट्रेडिंग होता है आप खरीदते हो फिर बेचते हो, तो वो होता है बिजनेस। प्रोफेशन होता है कि आप किस सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, जैसे डॉक्टर हो, ट्यूटर हो, ना आपका लॉयर हो, मेडिसिन बेचते हो, मतलब जो प्रोफेशनल सर्विसेज में आते हैं। आप जॉब नहीं कर रहे, आपको बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले आपको फीस मिलती है, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ तो बिजनेस या प्रोफेशन कैटेगरी में थर्ड हेड में जाता है। या कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हम तो ये तीनों में से कोई काम नहीं करते, तो अब हम क्या करते हो आप? सर हम कभी मकान बेच देते हैं पैसा आ जाता है, गोल्ड बेच देते हैं पैसा आ जाता है, कोई एंटीक पीस बेचते हैं पैसा आ जाता है, तो मतलब आप मोटा काम करते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कोई नौकरी नहीं है, कोई पेशा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये आपका एक एक मुश्त, मतलब अगर आपने सामान बेचा है तो पैसा मिल गया आपको, नहीं बेचा तो पड़ा हुआ है सामान, तो आपको मोटा पैसा मिल सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो हमारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड सब इसमें आते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अब ऐसी कोई भी इनकम जो इन चारों कैटेगरी में कहीं भी नहीं जा सकती लेकिन आपको इनकम हुई है, तो वो हमारी जाएगी अदर सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जुए में पैसा जीता, चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं है तो अदर सोर्सेज। अगर आपने घोड़ों की रेस में पैसा लगाया तो कहीं भी नहीं है। इस तरह की कोई भी इनकम आप देखोगे ना तो ये सब अदर सोर्सेज में चली जाती हैं। आपने शेयर्स में से डिविडेंड आया, आपके एफडी में से इंटरेस्ट आया, तो ये सब हमारे पास अदर सोर्सेज में चली जाती है। मैंने ये पांच कैटेगरी इसलिए बताई पहले क्योंकि अब इन कैटेगरी में भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। अब हम आते हैं वापस इनकम पे। ये हेड्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स कई बार गलती ये करते हैं, इवन मैं भी करता था जब मैंने पहली बार इनकम टैक्स पढ़ा था, कि हम जो इनकम के हेड और सोर्सेज की आंसर एक ही लिख देते हैं, वो गलत है। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में आते हैं और सिर्फ इनकम की बात करेंगे तो वो सेक्शन 2 of 224 में आता है, 2 of 24, ठीक है। अब इनकम किसको कहते हैं, तो कहते हैं टू कंसीडर एनी रिसिप्ट एज इनकम फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, कि किसी भी जो आपको पैसा मिला है उसको इनकम माने ना माने। अब अगर पापा ने बेटे को बोला सुबह से पैसे रख ले अपने पास 5000 रुपये, मैं शाम को ले लूँगा वापस, तो पैसा तो रिसीव हुआ ना, लेकिन वो इनकम थोड़ी हुई उसके लिए, तो अब इनकम किसको मानेंगे। तो पॉइंट्स क्या है, नंबर वन कैश वर्सेस काइंड। सिर्फ कैश की इनकम को इनकम नहीं माना जाता। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, काइंड मिला, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी इनकम मानी जाती है, ठीक है। अगर चारों हेड में से किसी में नहीं गई तो अदर सोर्सेज में जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज इररेलेवेंट। देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट शुरू करता हूँ करना आपके लिए। इट इज इररेलेवेंट व्हेन इन केस ऑफ हेड सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड कैपिटल गेन। इन तीन कैटेगरी में हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग का फर्क ही नहीं है। नौकरी वाले को क्या परवाह पड़ रही है कि मुझे किस अकाउंटिंग बेस से पैसा दे रहे हो, सैलरी मिलनी चाहिए बस। रेंटल लेने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप एक्रूवल बेसिस पे जाओगे, कैश बेसिस पे जाओगे, या कैपिटल गेन वाले को क्या मतलब है। फर्क किसको पड़ेगा, जो कर रहा है व्यवसाय, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड समटाइम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बट नॉट डिविडेंड। देखो यहाँ पे हाईलाइट कलर चेंज नहीं कर रहा, लिख रहा हूँ अदर देन डिविडेंड, डिविडेंड नहीं होना चाहिए।
तो इन दीज केसेस कैश और एक्रूअल बेसिस एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो भी कैश बेसिस है तो कैश के हिसाब से चलोगे, एक्रूअल बेसिस तो एक्रूअल पे चलेगा आपका अकाउंटिंग मेथड। नोशनल इनकम, अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विद हिमसेल्फ, हेंस गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट अ प्रॉफिट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। आपने डिपार्टमेंट होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो गया उसमें से, ये तो इंटर डिपार्टमेंट आपने ट्रांसफर किया सिर्फ, तो उसको आप नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं कि आपने सोचा कि इतना प्रॉफिट हो गया होगा, हुआ नहीं है। नोशनल इनकम याद रखना, ये नेशनल इनकम नहीं है, नोशनल है। नोशनल मतलब एज्यूम कर लिया जी इनकम हो गई, ऐसा नहीं होता। सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम मे बी फ्रॉम अ टेम्परेरी सोर्स और फ्रॉम अ परमानेंट सोर्स। अब हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में डिफरेंस क्या होता है, सैलरी हमें मल्टीपल सोर्स से मिल सकती है, हो सकता है कि इंसान तीन शिफ्टों में काम करता हो अलग अलग कंपनीज में, तो उसको तीन अलग अलग सोर्सेज से सैलरी मिलती है, तो हेड ऑफ इनकम इज सेम बट सोर्सेज कैन बी डिफरेंट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैं लॉटरी भी खेलता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं घोड़े की रेस पे पैसा लगाता हूँ, मैं डिविडेंड भी ले रहा हूँ, इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ, तो हेड तो एक ही रहा लेकिन उसमें अदर अदर सोर्सेज हो गए। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसीव्ड, ये बहुत बड़ा है टॉपिक है जो आप बाद में, मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा लेकिन आप बाद में पढ़ना जरूर। अ कैपिटल रिसीप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, वेयर एज अ रेवेन्यू रिसीप्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जो रेगुलर आपको मिलती रहती है वो हमेशा एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा ही टैक्सेबल होगी। लॉस, इनकम का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, इनकम का मतलब लॉस भी हो सकता है कि नेगेटिव इनकम भी हो सकती है आपको, या आपने जो मिला माइनस एक्सपेंडिचर किया जो आपको आया वो नेगेटिव हो गया, अब उस लॉस का फायदा क्या होगा, उस लॉस का फायदा होगा जब आप मेरा टॉपिक पढ़ोगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। वैसे वाली वीडियो बनी हुई है, अगर आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। डिस्प्यूटेड इनकम, इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम असेसमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी विदहेल्ड एंड सच इनकम नॉर्मली बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। जैसे डिस्प्यूट हो गया जी किसकी जायदाद है, किसकी वसीयत है, किसकी गाड़ी होगी, तो जिसको मिल गई जैसे ही मिल गई उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। लमसम रिसिप्ट, एक बार आपको पैसा मिल गया वो भी इंस्टॉलमेंट मिला तो भी आपको टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट, नॉर्मली रीइंबर्समेंट एक्सपेंस आर नॉट इनकम, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया कंपनी से उसके पैसे वापस ले लिए, तो पहले आपने 50 खर्च करे 50 वापस ले लिए तो इनकम थोड़ी हुई कोई आपकी, धांधलेबाजी करी तो बात की बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे कि आपने ज़्यादा कटवा लिया बिल कम का था। लीगैलिटी, द एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल इनकम, चाहे आपकी लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो टैक्स सबके लिए लगेगा, हाँ इलीगल इनकम वालों के ऊपर पेनल्टी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी एक्स्ट्रा लग सकती है, मतलब जेल भेज सकते हैं उनको। डबल टैक्सेशन, सेम इनकम कैन नॉट बी ट्वाइस टैक्स ट्वाइस, तो इसमें एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारा बाकी कंट्रीज के साथ टैक्स ट्रीटी, आई रिपीट टैक्स ट्रीटी या टैक्स एग्रीमेंट होना चाहिए, जिस कंट्री के साथ टैक्स एग्रीमेंट होगा उस कंट्री में अगर आप टैक्स पे कर चुके तो अपने घर आके टैक्स दोबारा नहीं देना पड़ता, एंड सेम एप्लीकेबल फॉर देम ऑल्सो। इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी, इन दिस रिगार्ड इट इज नॉट इट दैट इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज वेयर सम पीपल कंट्रीब्यूट टू द कॉमन फंड एंड आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फंड एंड द सरप्लस अराइजेस which is distributed among the contributors of the fund, such surplus cannot be termed as income. कई लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, खर्चे दिए, उसके लिए पैसा लगाया, मैंने 1000 रुपये लगाए थे, 1000 में से 800 खर्च हो गए, 800 में से 200 बच गए, अब 200 बच गए तो हमने आपस में बांट लिया, तो ये इनकम थोड़ी हुई, ये तो मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल गया ना, तो उसको आप इनकम नहीं मानते। लेकिन कब मानेंगे, एक्सेप्शंस, इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस कैरिड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इनमें अगर आपने म्यूचुअली पैसा लगाया है फिर आपको जो सरप्लस मिलेगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर, तो आपको वो इनकम मानी जाएगी। पिन मनी, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ये हमारे देश में बहुत यूज होती है टू कन्वर्ट ब्लैक इंटू वाइट, हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं बहुत जो ब्लैक में बहुत पैसा था, पहले कभी हुआ करता था, आजकल तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन वो क्या करते थे कि अपने रिश्तेदारों को बोलते थे कि स्पेशली लेडीज़ को कि मैं
तुम्हें कुछ पैसे दूंगा तो तुम मुझे सिर्फ एंट्री दे दो अपने अकाउंट से, मतलब अपने अकाउंट में जमा करके मेरे को दे दो, चेक दे दो, चेक उसका। अब वो लेडीज पूछती थी कि भाई ऐसा कैसे कर दें हम, तो वो कहते थे भाई इसको हम पिन मनी बोलते हैं। पिन मनी मतलब जो आपने अपने हस्बैंड की जेब से निकाला हुआ है, मतलब आपको जेब खर्च के लिए मिलता था, घर खर्च के लिए मिलता था और उसमें से आपने बचा रखे थे, एंड दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है, उस पैसे को उठा उठा के आपने सेव कर रखा है, कहाँ कहाँ कर रखा है, चावल के कनस्तर में, आटे के कनस्तर में, इसमें डब्बे में, उस डब्बे में, वहाँ पे रोल बना के, और बाद में जब पैसे इकट्ठा हो गया आपने बैंक में जमा कर दिया। अब जमा कर दिया, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपए के लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप लेडी हो, आपको नहीं पता बैंक में जमा करना था, आपने संभाल के रखे, आप जमा कर दिए, तो हो गया पिन मनी। तो ये लिखा है पिन मनी इज मनी रिसीव्ड बाय वाइफ और हर पर्सनल एक्सपेंस एंड स्मॉल सेविंग्स मेड बाय अ वुमन फ्रॉम मनी रिसीव फ्रॉम हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। सच रिसिप्ट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। इसको इनकम टैक्स वाले इनकम नहीं मानते। तो समझ लो कि अगर हिंदुस्तान के अंदर एक तरीका है टैक्स बचाने का, तो ये भी है कि अगर आप ब्लैक मनी को अपनी वाइफ को देते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, वो बोल सकते हैं मुझे घर खर्च के लिए मिला था, मैंने बचा लिया उसमें से। तो नोट, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ मनी पिन मनी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। अब आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे करके डाल दिए बैंक में, उस पर आ गया इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, 10 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे। अवार्ड मिला आपको कोई भी किसी तरह का, जिसमें पैसा इंक्लूडेड है, वैल्यू ज़्यादा है, अच्छी खासी वैल्यू है, तो वो भी टैक्सेबल होगी। एम्बेजलमेंट, मनी एम्बेजलमेंट इज अ गेन टू द एम्बेजलर और देयरफॉर फॉल्स विद इन द वाइडर डेफिनेशन ऑफ इनकम। आपने गबन किया पैसे का, एम्बेजल किया, तो आपने गबन किया तो अभी तो आपकी इनकम ही होगी ना एक तरह से, वो भी कैटेगरी में होगी लेकिन इलीगल मनी में, और आपको वो पेनल्टी अलग भी होंगी। कंटिजेंट इनकम, कंटिजेंट और एंटिसिपेटेड इनकम इज नॉट टैक्सेबल। आपको मालूम था इनकम होने वाली है, अब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, 20 साल पूरे हो गए, इंश्योरेंस का पैसा आ गया, तो वो इनकम थोड़ी है आपके लिए, वो टैक्सेबल नहीं है वो आपके लिए। सब्सिडी मिली है कि 10 रुपये का माल आपको 5 का मिला, तो ये थोड़ी कि 6 रुपये टैक्सेबल, 5 रुपये आपके टैक्सेबल हो गए, सब्सिडी मिली तो मिल गई आपकी, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो अब ये हो गया इनकम, ये हो गया हेड्स। तो अब ये आता है डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी बताया आपको, हेड सिर्फ 5 ही होंगे लेकिन हर हेड में मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। कैपिटल गेन में आपने एक ही साल में घर भी बेच सकते हो, गोल्ड भी बेच सकते हो, बॉन्ड भी बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड भी बेच सकते हो, शेयर्स भी बेच सकते हो, तो इन सबको बेचने से पैसा आ रहा है वो आपको एक ही हेड में आ रहा है, लेकिन सोर्सेज अलग अलग है। ग्रोस टोटल इनकम किसी भी कंपनी, किसी भी इंसान की कैसे निकालते हैं, इन पांचों हेड को प्लस करो और उसमें डिडक्शंस को माइनस कर दो, ठीक है, जो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रोस इनकम। उसमें से डिडक्शन माइनस करोगे तो टोटल इनकम, उसके बाद जो आएगा उस पर टैक्स निकालोगे, फिर टैक्स के ऊपर रिबेट दोगे, फिर सेस लगाओगे, फिर आपके पास नेट टैक्स आ जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ हमारे यहाँ प्रोविजन अलाउड होता है, वो रूल हमेशा याद रखना कि 50 पैसे से ऊपर है तो पूरा कर दो, 50 पैसे से कम है तो आधा कर दो। जैसे अब यहाँ पे कहता है जैसे रेट आपका रेट है 41,645 तो क्योंकि 645 है ना, तो 45 आ रहा है देखो एंड में, तो 45 को 50 कर दो राउंड ऑफ, आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आफत नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा कि 641644.98 है तो क्या करूँ उसका मैं, कोई बात नहीं, इसको चाहो तो आप 40 कर दो, क्योंकि 45 से ऊपर नहीं नीचे है ना, तो उसको 40 कर दो आप, तो इसको राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपीज। उस केस में क्या था, वो भी 10 रुपीज पे आप राउंड ऑफ करते, लेकिन नॉर्मली 5 रुपीज पे इसने किया। तो टैक्स लाइबिलिटी देखो कैसे अमाउंट दे रहा है, एग्जाम्पल 4876.49, तो 76 था ना, तो अगले 5 पे इंक्लूड करके क्या हो गया, 7880 हो गया। 6452 था ना, तो 52 है ना, तो 50 कर दिया। 38 है तो 40 कर दिया, 32 था तो 30 कर दिया, मतलब 5 से कम 5 से ज़्यादा वाला हिसाब रखोगे तो आप समझ जाओगे। कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू, अब कैपिटल रिसिप, अब इन दोनों की कैटेगरी अलग अलग चलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट पहले पढ़ेंगे फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट।
कैपिटल गेन्स, एनी अदर रेवेन्यू। ओके, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर वर्थ वाइल टू नोट। रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, वेदर एनी इनकम इज रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एज रिगार्ड इट्स नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज टू गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, इंस्टेड ऑफ ही एंटर्स इन टू एन एग्रीमेंट टू गेट अ सम ऑफ 360,000। 360,000 रुपये लमसम दे दो जी। अब ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट, 3 साल की रेवेन्यू रिसिप्ट थी ना ये तो, लेकिन उसको मिली कब, एक बार में, तो लमसम मिल गया आपको। लेकिन क्या ये इनकम मानी जाएगी, क्या कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी? जैसे भी होगी वो टैक्सेबल। अब इसको हम याद रखना कि हमारे कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं बड़े चलाक होते हैं हम लोग। हम बोलते हैं हमें एडवांस सैलरी मत दो, हमें एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे दो। अगर एडवांस सैलरी देना तो ऑन द स्पॉट टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोगे ना तो उसका टैक्स इंस्टॉलमेंट में ही कटेगा, आपके लिए वो एक लोन हो जाएगा। नेचर ऑफ रिसिप्ट ऑन द हैंड ऑफ रिसिपियंट, वेदर रिसिप्ट इज कैपिटल और रेवेन्यू विल बी डिटरमिन इन द हैंड ऑफ द पर्सन रिसीविंग सच इनकम। इनकम किसको मिलती है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे या फिर लमसम रिसिप्ट मानेंगे, इंस्टॉलमेंट मानेंगे या फिर रेवेन्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन द नेम गिवन टू द ट्रांजेक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एट इट्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट ऑल्टर इट्स कैरेक्टर और कैपिटल रेवेन्यू। अब जो नाम आपको दिया गया है उससे ही पता चलता है। अब डेप्रिसिएशन है, अब डेफिनेट रेवेन्यू होगा, मशीनरी परचेज है डेफिनेटली वो कैपिटल होगा। इनकम फ्रॉम वेस्टिंग एसेट्स, मतलब आपने जो पुरानी एसेट थी बेच दी, या रॉयल्टी फ्रॉम माइंस एंड क्वेरीज, आपने कोई रॉयल्टी मिलती है आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ रिसिप्ट, कितना अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। टाइम ऑफ रिसिप्ट, कब मिला है, इंस्टॉलमेंट में मिला या एक बार में मिला, साल में कितनी बार मिला। क्वालिटी ऑफ रिसिप्ट, वेदर द इनकम इज रिसीव्ड वॉलेंटरली और अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एज रिगार्ड टू नेचर। टेस्ट एज टू पर्पस ऑफ कीपिंग एन आर्टिकल, देन एक्सपेंसिस भी वही कैटेगरी। अकाउंट्स में आपने सब पढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको समझ आना चाहिए बस। एक्वायरिंग एसेट और एडवांटेज ऑफ एंड्योरिंग नेचर, अगर आपको कोई एसेट एक्वायर करनी है उसके ऊपर जो खर्चा किया आपने वो एक्सपेंस हमारा कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। कैपिटल एसेट बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, फिक्स, ये आप सिर्फ पढ़ लेना दोस्तों, सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे समझ के। अकाउंटिंग याद रखना दिमाग में, उसको पढ़ते जाना। अच्छा, इनमें ना इलस्ट्रेशंस वगैरह दे रखी हैं, बहुत अच्छी लेवल की दे रखी हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इनको पढ़ोगे ना इनके सोल्यूशन साथ साथ दे रखे हैं, तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ना, उनके सोल्यूशन भी पढ़ना, क्योंकि हमारा ये टारगेट है अभी सिर्फ बुक को पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर पे नहीं जा रहा एज इट इज, बाद में करेंगे। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये बड़े टेक्निकल वर्ड होते हैं कि टैक्स प्लान करना मतलब मैनेज कर रहे हो, इवेजन मतलब चोरी कर रहे हो, टैक्स अवॉइड मतलब भाग रहे हो, तो देखते हैं कैसे। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इट इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस। आपने घर में देखा होगा हम LIC की पॉलिसीज लेते हैं, हम म्यूचुअल फंड पैसे लगाते हैं ELSS फंड के अंदर, हमने कुछ पैसा कई सालों तक बैंक में रखा तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग प्रोविडेंट फंड पैसा लगाते हैं PPF, उनको पैसे में फायदा मिलता है। कुछ लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं, कुछ लोग किसान विकास पत्र खरीदते थे, तो ये सब क्या था हमारे, हम पूरी चीज़ें मैनेज करके पैसे के जो टैक्स बनता था उसको टैक्स को कम करते थे। तो डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ, ऑल अदर वर्ड्स, इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग मॉरल ऑफ लॉ, मतलब एथिकली आप उसको कम कर रहे हो, दैट इज टैक्स प्लानिंग। लेकिन टैक्स इविजन क्या है, इट इज इलीगल। देखो, इट्स द इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम और सेल और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। आपने इनकम कम दिखाई, आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिए बुक्स में, तो ये सब गलत है, एथिकली आप काम नहीं कर रहे हो। तो टैक्स इवेजन इज इलीगल बोथ इन स्क्रिप्ट एज वेल एज मॉरल, इट इज द कैंसर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड वर्क एज ए क्लॉग इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता इससे। अब होता है टैक्स अवॉइडेंस, अच्छा जी अगर मैं सैलरी कमाऊंगा तो मुझे सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा, हाँ जी तो ठीक है मैं सैलरी नहीं कमाता, लो जी ये तो सबसे अच्छा काम कर दिया आपने। आगे अगर एक स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड ब्रेकर पर मेरी गाड़ी फैल जाएगी,
मैं गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, हो जाएगा जो भी, स्पीड ब्रेकर तो वहीं रहेगा ना। सो इट इज़ एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द एक्ट। टैक्स अवॉइडेंस इज ए प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। हम लॉ तोड़ नहीं रहे, हम कानून को तोड़ नहीं रहे, अपने हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन कानून को इस तरह से थोड़ा सा घुमा रहे हैं कि मेरे लिए फायदा हो जाए। इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाई अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली। कानून में लिखा था, हम तो उसी को फॉलो किया है। मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर एम टू कर्व सच लूप होल्स। देयर आर टू थॉट्स अबाउट टैक्स अवॉइडेंस। नंबर वन, एज पर फर्स्ट थॉट इट इज लीगल। कुछ लोग कहते हैं ये लीगल है, और कई बार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई केसेस में से एक केस ये था, दूसरा केस ये था, इसमें लिखा गया हाँ जी ये लीगल है, लेकिन सेकंड थॉट जो आई वो कहते हैं नो इट इज प्रोहिबिट, इट शुड बी प्रोहिबिटेड, ये अलाउड नहीं करना चाहिए। और ये भी कई जगह पे मैकडोनल के केस में, सीआईटी केस में प्रूफ किया गया कि हाँ इसको लीगल नहीं मानना चाहिए, इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, इसको अलाउड नहीं कर सकते हम, लेकिन करने वाले तो करते हैं। तो आपको भी ये समझा रहा हूँ, अगर आपको इनकम टैक्स कल को बचाना है अपनी सैलरी पे, अपने बिजनेस में, अपने इनकम पे, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप बचाने के लिए क्या करोगे, ज़रूरी ये है कि बचाते कैसे हैं, उसके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है कि ये टैक्स होता क्या है, इसीलिए हम ये बुक को पढ़ रहे हैं। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। अब ये फोर्थ पार्ट आ गया, सिर्फ फोर्थ पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट में क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, कि जो भी लॉ में लिखा हुआ है हम उसको सारे प्रोविजन को अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये टैक्स मैनेजमेंट जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इट इज़ टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ लॉज। इट इज़ अ कंटिन्यूस अप्रोच विच इज़ कंसर्न विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनकम और whatever. पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड। अगर आप टैक्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो ना तो पेनल्टी लगती है, ना इंटरेस्ट, ना प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आप बाय लॉ, उन्होंने कहा जी परसों आना, जमा कर देना, जमा कर दिया, 3 महीने बाद एडवांस टैक्स जमा करना है, जमा कर दिया, 6 महीने बाद फिर एडवांस टैक्स जमा करना है, जमा कर दिया, तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सबके नाम लिखे हुए हैं उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। पहले में टैक्स प्लानिंग में टैक्स सेविंग बोलते हैं, दूसरे में टैक्स को हेज करते हैं क्योंकि चोरी कर रहे हो आप, और तीसरे में टैक्स को कंसील मतलब छुपाते हो, ठीक है। पहले में इट इज़ मॉरल, दूसरे में इमोरल, तीसरे में इलीगल, एंड चौथे में इट इज़ अ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है जी, हम तो काम करेंगे, आपको जो बताना है बता देना। डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ मनी इनकम में क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है, एक इंसान, 3 पार्टनर काम करते थे, कंपनी ने उठा के सारा पैसा एक पार्टनर को दे दिया और एक पार्टनर ने उठा के बाकी दोनों पार्टनर को पैसा बांट दिया, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। देखो लिखते हैं, डाइवर्जन ऑफ इनकम इज बाय व्हेन बाय वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेस टू द एसएससी, इट इज नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड इट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज इवन इफ द एसएससी वर टू कलेक्ट द इनकम ही डज सो ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन टू होम इट इज पेएबल। तो अगर एक कंपनी ने उठा के सारा पैसा सी को दे दिया, अब सी ए और बी को बांटेगा, तो ये नहीं कि सी सारा टैक्स पे करेगा, टैक्स ए अलग पे करेगा, बी अलग और सी अलग। तो ये एग्जांपल सेम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ना इसको। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या कहते हैं, वेयर एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स टू डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन विच इज ग्रोशियस और सेल्फ इम्पोज आफ्टर सच इनकम रीचेज द एसएससी एंड हैज इट इज टैक्सेबल immediately to all the payable people. तो ये हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन। अब बात करते हैं इस साल के टैक्स रेट्स के ऊपर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरी जो वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी इनकम टैक्स स्लैब्स के नाम से बनी हुई है, नीचे प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो मिल जाएगी आपको। इसकी प्लेलिस्ट अलग बन रही है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कैसे स्लैब को यूज करते हैं। तो कहते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, जवान, बूढ़ा, सबसे बूढ़ा, ऐसे करते हैं, ठीक है। सुपर सीनियर मतलब 80 से भी ऊपर की इनकी एज होती है, देखो लिखा है एटलीस्ट 80 ईयर्स है ना, वो 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना,
5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20% देना, 10 लाख से ऊपर गए तो उनको 30% देना। मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख है, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज इनकम टैक्स स्लैब की वीडियो देखना, उसमें स्लैब समझ आ जाएंगे कैसे निकालते हैं। अगर 10 लाख की इनकम हुई है तो ये नहीं कि 10 लाख पे 20% लगा दो किसी का, नहीं, 10 लाख में से पहले 5 लाख तो जीरो हो गए, अब जो 5 लाख बचे उस पर 20% है, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है स्लैब कैसे निकालते हैं। तो मतलब 5 लाख तक की छूट, सीनियर सिटीजन मतलब 60 से लेकर के 80 साल तक के बीच में 3 लाख तक की छूट, 3 से 5 10% और 5%, फिर 20 फिर 30, देखो 20-30 सेम रहेगा, तो 5 से 10 10 से ऊपर 20-30, 5 से 10 10 से ऊपर 20-30, फर्क कहाँ आया, 3 लाख तक छूट और 3 से 5 तक 5% के टैक्स। और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल यूरिशियल पर्सन, कंपनी की बात नहीं करी इसमें, ठीक है, फर्म की बात नहीं करी हमने, तो इन केसेस में क्या है, 2.5 लाख तक की छूट। मतलब अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे इनकम होती है तो 5 लाख 2.5 लाख तक की मुझे छूट मिलेगी, 2.5 से 5 5 लाख 5%, फिर 20%, फिर 30%, ठीक है, वो रूल हर जगह रहेगा। ये जो दो है ना, ये दो जो है देखो कॉमन है, तो फर्क कहां पड़ेगा, सिर्फ 2.5 3 5। ओके, अच्छा, ये सारे रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो NRI होगा या फिर 1959 के बाद पैदा हुआ है। नहीं, स्टेप नंबर 1 कहां लिखा रह गया, चलिए इस लाइन को आप इग्नोर करना जो मैंने बोली है फिलहाल। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या था, इंडिविजुअल का मतलब वो जो, क्योंकि एसोसिएशन पर्सन के ऊपर नहीं होता ही, इंडिविजुअल वो जो 2 अप्रैल 1959 के बाद पैदा हुआ है और या फिर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर नहीं माना जाएगा। एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट एक्सीड 3,50,000, ये सब कंडीशन बता रहा है, ठीक है, वो दोबारा से समझाने के लिए ये केसेस हैं। अगर आपकी इनकम इतनी है तो कितना टैक्स बनेगा, इतनी है तो कितना टैक्स बनेगा, इतनी है तो कैसे टैक्स निकाला जाता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मेरी वीडियो है इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर, उसको आप प्लीज़ चेक करना। कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कि कैलकुलेशन गलत हो गई है, हो सकता है हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही पढ़ा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससीज, रेट ऑफ सेस 4% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मतलब अगर आपके ऊपर टैक्स निकला 10,000 रुपये तो 10,000 के ऊपर 4% आपको देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा टैक्स। मार्जिनल रिलीफ ये सब चीज़ छोड़ते हैं फिलहाल, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सब एग्जांपल्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आपके पास बुक का लिंक है, निकाल लेना इस पेजेस को और ख़ुद प्रैक्टिस करना, स्पेशली अगर आप CA CS कर रहे हो तो आपकी बुक है, आपकी बुक है तो आपको तो सारी ही पढ़नी चाहिए, एक एक चीज़ पढ़नी है, बिकॉज MCQs में आप फंस जाते हो, वरना BCOM वाले फिर भी थोड़े कुछ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन BBA BCOM वाले कुछ अवॉइड कर लो, लेकिन CA CS वाले मत करना अवॉइड बिल्कुल भी। फर्म का टैक्सेबल, फर्म या LLP, अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो आपका टैक्स रेट है 30%, कोई स्लैब नहीं है। सरचार्ज 12% ऑफ इनकम टैक्स, जितना भी आपका टैक्स निकला अगर वो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पे निकल रहा है तो 12% का सरचार्ज भी देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। हेल्थ एजुकेशन है सबके लिए होता है 4% एक्स्ट्रा ऑन टैक्स लायबिलिटी। कंपनी, कंपनी को कितना टैक्स देना है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी वेयर इट्स टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, वो यहाँ तो करोड़ों की बात चलेगी, ठीक है। अगर आपका 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं गया तो 25%, इन एनी अदर केस 30%, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी 40%। तो 250 करोड़ से कम का टर्नओवर तो 25%, उससे ऊपर गया 30% और फॉरेन कंपनी है तो 40%। सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर गई तो 12% डोमेस्टिक के लिए और 5% फॉरेन कंपनी के लिए। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो रेट कम हो जाएगा, 7% और 2% हो जाएगा, और अगर 1 करोड़ से भी कम है तो
तो भैया आप तो खाना खा लो किस तरह से, वही काफ़ी आपके लिए, तो आपको कोई सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है हमारे बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर नंबर 1, जो ख़त्म होता है पेज नंबर 24 पे। तीन डेज का काम ख़त्म हो चुका है, अगले डे पे हम शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके सबके ऊपर नॉर्मली मैंने वीडियो बना रखी है, बोर्ड पे समझाने के लिए समझा रखे, लेकिन अभी हम सिर्फ बुक को पढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो जो चैप्टर के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर जाके आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखना जो मैं बना चुका हूँ, और उसको अच्छे से समझना। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको एक काम करना है जो बहुत ज़रूरी है, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम पूरी बुक पढ़ने वाले हैं। 40 पेज देखो ख़त्म भी होने वाले हैं, और भी 610 पेज की बुक है। और दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब कराएं और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।